राधे राधे। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कीर्ति एंड दिस इज अनदर वेरी स्पेशल वीडियो ऑन माय चैनल, जिसमें मैं आप लोगों को टूर कराने वाली हूँ हमारे राधा कृष्ण की पावन नगरी का, वृंदावन का। वैसे तो मैं पहले भी वृंदावन जा चुकी हूँ, बट इस बार खास ये है कि इस सफर में मैं आप लोगों को भी शामिल करना चाहती हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और हम आपको दर्शन कराएंगे हमारे बांके बिहारी का, हमारे कान्हा जी का, जो वृंदावन के कण कण में निवास करते हैं। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं राधे राधे का नाम लेकर, राधे राधे। तो वैसे तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा दैट रिसेंटली आई केम टू दिल्ली एंड दिल्ली से वृंदावन बहुत पास है, तो हम भी निकल पड़े अपनी एक प्राइवेट कैब करके वृंदावन की ओर, जहाँ पे सबसे पहले हमें दर्शन हुआ माता यमुना का। आप भी दर्शन करिए मेरे साथ यमुना माता का। 2.5 घंटे का सफर पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके थे वृंदावन की उन पतली गलियों में, जहाँ हमारे बांके बिहारी निवास करते हैं। तो हमने अपने सफर की शुरुआत सबसे पहले बांके बिहारी का दर्शन करके किया। बट यहाँ के लिए मैं एक नोट आपको देना चाहती हूँ कि आप बंदरों से बिल्कुल सावधान रहिएगा, बिकॉज हम भी बहुत सावधान थे और यहाँ पे बंदर आपकी चीज़ें ले जाने में माहिर हैं, चाहे वो आपका चश्मा हो, चाहे वो आपका पर्स हो, तो आप बंदरों से ज़रूर सावधान रहिएगा। और बंदरों से बचते बचाते वृंदावन की पतली गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच चुके हैं हमारे बांके बिहारी के धाम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आप किसी भी टाइम जाओगे यहाँ पे आपको भीड़ मिलेगी ही। ऑल दो हम वृंदावन 8:30 बजे ही पहुँच चुके थे, बट आपको दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। वैसे तो आपको हर वक्त यहाँ पे भारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूँ यहाँ कोई लाइन नहीं लगती है, तो आपको भीड़ के बीच में घुसकर ही बांके बिहारी का दर्शन करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये थी कि लड़कियों की लाइन अलग थी, जिसकी वजह से हमें सबसे आगे जाके बांके बिहारी का दर्शन करने का मौका मिला, वो भी चंद सेकेंड्स के लिए। बट हाँ, दर्शन करने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो हमारा भी दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ। इस भीड़ में से जब हम बाहर निकले तो नज़ारा कुछ ऐसा था, और हमने रुक किया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था इस्कॉन टेम्पल। सो वैसे तो मैं वृंदावन कई बार आई, बट मैं इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के पहली बार जा रही थी, और हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हमें सुबह सुबह इधर कवर करनी थी, नहीं तो फिर मंदिर के बंद होने का टाइम हो जाता। तो हमने फटाफट से रिक्शा हायर करा और वृंदावन के सड़कों पर निकल पड़े इस्कॉन का दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल। सो आपकी रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल प्रेम मंदिर के बहुत ही पास है, तो अगर आप प्रेम मंदिर दर्शन करते हो तो आप उसके साथ साथ इस्कॉन टेम्पल भी ईजिली कवर कर सकते हो। हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये दोनों मंदिर है, और इसके बीच में भी आपको एक बहुत ही खूबसूरत से मंदिर का दर्शन करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। हमारे पास टाइम की कमी थी तो हम कर नहीं पाए, हमने बाहर से ही दर्शन किया। और अब हम पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, जहाँ आने की मेरी दिली तमन्ना थी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में। वेल, वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल वैसे तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया गया है। एक समाधि सेक्शन है, एक म्यूजियम सेक्शन है, और एक है जहाँ पे हमारे प्रभु निवास करते हैं। तो चलिए आप बारी बारी से दर्शन कराते हैं वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल के एक एक सेक्टर का। बट तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेकिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा मनाही थी कि आप फोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते, आपका फाइन लग जाएगा, 1000 रुपीज़ का यहाँ पे फाइन था। तो हमने जो भी वीडियो शूट किया है
हमने परमिशन लेकर करी थी क्योंकि हम काफ़ी दूर से आए थे और हम चाहते थे कि हम आपको एक झलक दिखा सके इस इस्कॉन टेम्पल की। तो हमने जो भी शूटिंग करी हमने परमिशन लेके करी है। ऑल्दो हम कान्हा जी की शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो हमने सिर्फ पिक्चर्स ही क्लिक करी हैं। तो आप भी दर्शन करिए हमारे कान्हा जी का। और कान्हा जी का दर्शन करने के बाद हम पहुंचे म्यूजियम की तरफ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत जगह थी। वैसे तो ये म्यूजियम काफी छोटा सा था, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी झलकें थी जिनको देख के आप हिस्ट्री में पहुंच सकते हो, जिनको देखकर आप सोचने पे मजबूर हो सकते हो कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। वैसे तो हमारे कृष्ण की लीला भी दिखाई गई थी उस म्यूजियम में, और कैसे इस्कॉन का डेवलपमेंट हुआ भी दिखाया गया था। और इसी के साथ साथ हमारे जीवन का चक्र भी इस म्यूजियम में दिखाया गया था, कैसे एक बच्चा जन्म लेता है और कैसे वो अपनी आयु पूरी करता है, इसका पूरा चक्र में वर्णन किया गया था बहुत खूबसूरती से। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े बाहर की ओर, जबकि इस्कॉन का माहौल कुछ ऐसा था कि हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उस माहौल को छोड़ के जाने का। बट लोगों ने बताया कि निधि वन इस वक्त खुला मिल जाएगा, तो हमने सोचा क्यों ना हम निधि वन की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हमारी घड़ी में 12 बज चुके थे। और सच में इस्कॉन की वाइब ऐसी थी कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था निकलने का, बट हम निकल पड़े निधि वन की तरफ। तो इस्कॉन से हमें कोई डायरेक्ट रिक्शा या ऑटो नहीं मिल रहा था निधि वन के लिए, तो हमने ऑटो करा बाकी बिहारी का, और वहाँ से फिर हमने दूसरा रिक्शा किया निधि वन का। और हम ऐसे बचते बचाते, बंदरों से बचते बचाते पहुँच गए निधि वन। वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि निधि वन तो खुलेगा 3:30 बजे और हमें तब तक करना है इंतज़ार। तो हम पहुँच गए यमुना घाट पे यमुना माता का दर्शन करने और बोटिंग करने, क्योंकि ये मौका मैं छोड़ नहीं सकती। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा मुझे बोटिंग बहुत पसंद है। तो मुझे मौका मिला यमुना माता का दर्शन करने का, यमुना में बोटिंग करने का, तो चलिए आपको भी एक्सपीरियंस कराते हैं। पर जब भी मैं बोटिंग पे निकलती हूँ मुझे बनारस की तुरंत याद आने लग जाती है, क्योंकि हमारे बनारस की बात ही अलग है। यहाँ पे हमने दर्शन किया, पहली बार इतने करीब से मैं दर्शन कर रही थी यमुना माता का, और यहाँ पे भी बोटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था। ऑल्दो कि अभी अभी बाढ़ ख़त्म हुई है, इसलिए आपको पानी थोड़ा सा बाढ़ वाला ही दिख रहा होगा। अभी यहाँ का पानी का लेवल सिर्फ कम हुआ है, बाढ़ का पानी अभी बरकरार। बट आप देख सकते हो हमारे कान्हा की नगरी यहाँ से कैसी लगती है। बोट वाले ने हमें इस पार से उस पार तक का दर्शन कराया, जैसे हमारे कान्हा जी ने अपने बचपन में
इस पार से उस पार गए थे यमुना के, वो वाली पूरी फीलिंग आ रही थी। आप पूरी इमेजिनेशन में वो सारे पल को एक बार फिर से जी सकते हो वोटिंग के दौरान, क्योंकि अफकोर्स आप उसी नगरी में हो जाए, सब कुछ हुआ था तो रिलेटेबल काफ़ी हो जाता है। तो वोटिंग का एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत ही शानदार रहा। ऑल्दो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर आप फ्लड के टाइम जा रहे हो तो आप यहाँ पे नहाओ, क्योंकि पानी में काफ़ी सारे जानवर भी देखने को मिल रहे थे। जब हम किनारे पे थे तो हमने काफ़ी देर तक वेट किया था बोट भरने का, और उस बीच हमें पानी में सांप भी देखने को मिल गया था। तो आप अगर जाते भी हो, आपका ऐसा कोई प्लान भी है, तो बी केयरफुल स्पेशली इन द फ्लडेड वाटर। तो बोटिंग करने के बाद हमने किया कुछ देर इंतज़ार वही यमुना घाट पे, जब तक हमारा निधिवन खुल नहीं जाता वापस से। और जब हमारे निधिवन के खुलने का वक्त हो गया तो हम भी लाइन में लग गए लोगों के साथ निधिवन का दर्शन करने। तो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मैं वृंदावन कई बार आई हूँ, बट मैं निधिवन पहली बार आ रही थी। और इस निधिवन में बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हो रहा था आकर। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं निधिवन का। Then guys, let me tell you कि यहाँ पे शूटिंग करना बहुत ही टफ था, क्योंकि आप देख सकते हो जगह जगह पे बहुत स्पेस है और उससे भी ज्यादा बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, जो आपका फोन लेके जा सकते हैं, जो आपका चश्मा लेके जा सकते हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। हम बहुत ही केयरफुल थे, बट मुझे बहुत डर लग रहा था, इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। बट आपको इससे थोड़ी तो झलक मिल ही जाएगी कि निधिवन के पेड़ असल में कैसे दिखते हैं और कितना अलग यहाँ का फीलिंग है। वो फील करने के लिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, बट हाँ मैं आपको झलक तो दिखा ही सकती हूँ। कहा जाता है कि पहले ये जो एरिया आपको दिख रहा है बांस से कवर्ड, वो नहीं था, पूरा निधिवन खुला हुआ था दर्शकों के लिए, लोगों के लिए, भक्तों के लिए। लेकिन अब इसको कवर कर दिया गया है बंदरों से सावधान रहने के लिए। कुछ ऐसा दिखता है अंदर से निधिवन। और निधिवन का सफर पूरा करने के बाद हमने रुक किया वृंदावन के एक बहुत ही खूबसूरत से मंदिर की ओर, जिसके बारे में आपने जरूर सुना या देखा होगा, जो कि है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के अंदर घुसते ही आपको कान्हा जी की झांकियां देखने को मिलेंगी, उनकी अलग अलग लीलाएं देखने को मिलेंगी। पूरा मंदिर कान्हा जी से सजा हुआ है, उनकी लीलाओं से सजा हुआ है। हर तरफ आपको कान्हा जी कोई ना कोई लीला रचते हुए दिखेंगे। वैसे तो ये इवनिंग टाइम था, शाम के कुछ 5 बज रहे थे, बट आई वुड से कि अगर आप प्रेम मंदिर का प्लान करते हो तो आप रात तक करना, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है और रात का यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। ये इतनी खूबसूरत मंदिर है कि आप जितनी बार भी इसको कवर करो और जितना भी देर तक कवर करो, आप इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। रियल में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ की हर कृष्ण लीला को आप काफ़ी देर तक देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना रियलिस्टिक तरीके से इनको बनाया गया है। और जब रात में यहाँ पे लाइटिंग ऑन हो जाती है, जब ये मूर्तियाँ हिलने लग जाती हैं, तो आपको पूरा पूरा रियल फील आता है। अगर आप वृंदावन का प्लान कर रहे हो तो आप प्रेम मंदिर जरूर कवर करना। दिस इज द मस्ट विजिट टेम्पल इन वृंदावन। पर प्रेम मंदिर की झांकियों को देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला, और अब वक्त हो चुका था हमारे वापस नोएडा लौटने का। तो आई होप कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, आपको मेरे सफ़र में साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा लगा हो, आपको भी वृंदावन वाइब्स आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिखिएगा।
और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना सो दैट आप फ्यूचर की भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।